हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, काउंसिलर, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, कोच हूँ और एक एनएलपी ट्रेनर हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारा जो ईगो है, मतलब मैं जैसा, मतलब हम जैसा बोलते हैं ना, अहम या मैं, ईगो या हमारी पर्सनैलिटी, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है जब वो बनते हैं तब। मतलब हमारी पर्सनैलिटी जब बनती है तो उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी वजह से। क्योंकि ये जो ईगो है, मैं, अहम, अहंकार, वो हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मान देना चाहिए, मेरी वाह वाह करना चाहिए, मेरी प्रशंसा करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, और वो ईगो को अच्छा लगता है। नहीं, मेरे को लोगों ने अच्छा बोला, लोगों ने मेरी स्तुति करना चाहिए, कोई भी बात होती है तो लोगों ने मेरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, लोगों ने उसकी नोन लेना चाहिए। तो ये किसको चाहिए? ये चाहिए मेरे ईगो को, या मेरा जो आई है, आई मी, अहम, उसको चाहिए। तो ये आई होता कैसा है तैयार, या पर्सनैलिटी तैयार होती कैसी? और यदि इसको हम पहचान ले कि ये तैयार होती है और इसमें कुछ पड़ा नहीं है, मतलब लोगों ने प्रशंसा की क्या, नहीं की क्या, क्या फर्क पड़ रहा है? लोगों की प्रशंसा करने से मुझे अच्छा लगना, लोगों ने प्रशंसा नहीं किया तो बुरा लगना, इसका मतलब फिर क्या है? कि इसका मतलब मैं मेरा रिमोट कंट्रोल जो है वो लोगों के हाथ में दे रहा हूं। तो हम ये यदि डिस्टिंग्विश करते, यदि हम मालूम कर लेते, इसको जान लेते हैं कि भाई हुआ कैसा ये तैयार, तो वहां से फिर हमको छुटकारा मिल सकता है। जैसा बच्चा रहता है ना 2 साल का, जब आप बच्चे थे 2 साल के, तब आपको कोई भाषा नहीं आती थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी। 2 साल का बच्चा फिर काका, मामा, बाबा, मम्मी, डैडी ऐसा कुछ बोलना चालू कर देता है और उसकी भाषा तैयार होती जाती है। और जब जब भाषा तैयार हो जाती है, उस समय बच्चा कैसा भी रहता है, मतलब उसको कोई ईगो नहीं रहता, अहम नहीं रहता, उसका कोई अपमान नहीं कर सकता, वो किसी का अपमान नहीं करता, कुछ भी नहीं हो रहा, फुल्ली उसका आत्म अभिव्यक्ति रहती है, फुल आत्म अभिव्यक्ति नहीं, पूर्ण रूप से वो फुल्ला खुल के बात करता है, खुल के रहता है बच्चा, और उसका जीवन बड़ा मस्त रहता है, मजेदार रहता है, खुशी, समाधान, आनंद उसके जीवन में रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वैसा वैसा क्या होता है कि ऐसी कोई घटना हो जाती है अपने जीवन में, हो सकता है वो स्कूल में, हो सकता है कि आपके माँ बाप के जरिए, हो सकता है कि आपके दोस्त के जरिए, कुछ भी ऐसा, कुछ से भी कारण हो जाता है कि जो कारण जो है वो एकदम ऐसा शॉकिंग लगता है, ऐसा लगता है कि बाप रे क्या हो गया है। और वहां उसका मैं सामना करने के लिए, वो जो सामने जो भी कंडीशन आई है, जो भी सिचुएशन आई है, उसका सामना करने के लिए मेरे में कुछ तो भी अभी ताकत लानी पड़ेगी, कुछ तो भी मेरे में पावर लानी पड़ेगी, कुछ तो भी शक्तिशाली रूप से मेरे मुझे होना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी कठिनाई आई है उसका मैं सामना करूं। फिर होता क्या है कि मैं मेरे में ऐसे कुछ गुण तैयार करता हूं, कुछ मेरा कैरेक्टर तैयार करता हूं, कुछ मेरी शक्ति मेरे में तैयार करता हूं, और वो भी बोली भाषा में मेरे, ताकि जो भी सिचुएशन आई है, जो भी कठिन जो भी स्थिति आई हुई है, उसका मैं सामना उसमें वहां से कर सकता हूं, और फिर मेरे में वो एक गुण तैयार हो जाता है। ऐसे जीवन में हमारे काफी सारे क्षण होते रहते हैं, काफी सारी कठिनाइयां आती रहती है कि जहां मैं उसका सामना कर नहीं सकता, सामना किया नहीं तो फिर मैं किसी की मदद लेता हूं, किसी की मदद नहीं मिली तो मैं मेरे में ही ऐसी क्षमता तैयार करता हूं खुद होके, ताकि मैं उसका सामना कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे में ऐसे नए 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 ऐसे कोई कैरेक्टर्स, ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे कोई गुण, ऐसी कोई शक्ति मैं मेरे में तैयार करता हूं, जिसके वजह से और जिसके जरिए मैं वो जो कठिन परिस्थिति इसके बाद कभी सामने आती है तो मैं उसका सामना कर सकूं। फिर से एक बार बताता हूं कि जीवन में काफी सारी कठिनाइयां आती रहती है। बच्चा जब रहता है 2 साल का, तब उसको कुछ भी नहीं रहता, कोई ईगो नहीं रहता, कोई अहम नहीं रहता। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होते जाता है, वैसा वैसा उसको कुछ ना कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है, और वो सामना करने के लिए
वो अपने में नए 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 गुण लाता है, अपने में नए 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 ताकत लाता है, और वो ताकत लाने से वो उसका सामना करते रहता है। इस तरह से फिर मेरा एक ईगो, एक मन, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस, ऐसी एक बिलीफ सिस्टम तैयार होती है, एक पास्ट में तैयार करता हूं कि मैं अभी इसके बाद में कुछ भी समय आता है मेरे जीवन में, कठिन समय आता है, तो मैं उसका सामना कर सकूं और फिर मैं उसके ऊपर सफलता हासिल कर सकूं। तो जो गुण मैं मेरे में तैयार करता हूं, वो गुण से मेरे जीवन में मुझे सफलता मिलती रहती है। अभी ये सफलता जो मुझे मिलती रहती है अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, मगर अभी क्या होता है कि अभी यहां तैयार होता है ईगो, ये सब गुण तैयार करते करते कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ऐसा ईगो तैयार होता है। और फिर वो ईगो को चाहिए खाने के लिए खाद, और वो खाद कौन सा है, वो खाद है प्रशंसा, तारीफ, वाह वाह, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लोगों ने पीठ थपथपाना चाहिए, और वो होता है प्रॉब्लम। तो वो हम यदि उसको प्रेजेंट हो जाते हैं कि मेरा अपमान जो है वो लोग नहीं कर सकते, मेरा मान लोग नहीं कर सकते, ना मेरा अपमान कोई कर सकता है, मेरे तारीफ किया तो लोगों को, मेरे लोगों मैंने मतलब लोगों ने मेरी तारीफ किया तो मुझे अच्छा लगेगा, लोगों ने तारीफ नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा, ये पूरा कंट्रोल मैंने लोगों के हाथ में दे दिया तो मेरी जिंदगी कैसी अभी हो रही है देखिएगा आप। इसलिए महात्मा गांधी ने यह कहा था कि नोबडी ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन मेक यू एंग्री अनलेस यू परमिटेड हिम टू डू सो। महात्मा गांधी ने बोला कि आपको कोई गुस्सा दिला नहीं सकता, आपका कोई अपमान नहीं कर सकता, जब तक आपने उसको परमिशन दी नहीं है आपका अपमान करने की, आपको गुस्सा दिलाने की। तो आपका, आपकी खुशी आपके हाथ में है, आपका गम आपके हाथ में है, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है, जो भी कुछ है वो आप है। लोगों के ऊपर आपकी जिंदगी न देते हुए यदि आप अपना जीवन जीते हैं, क्या खुशी है, क्या गम है, या क्या गुस्सा है, मुझे इसने मान नहीं दिया, मुझे इसने मेरा इसने अपमान कर दिया, मुझे वहां प्रशंसा नहीं किया, ये सब करते हुए, वो न करते हुए, हम यदि ऐसा करते हैं कि नहीं भाई मुझे जो भी करना है, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूं, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, वो मैं करूंगा, उसके लिए मेरी पूरी जान दे दूंगा, ये मान अपमान तो चलते रहेगा, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, इस तरह का मैं जीवन जीता हूं, तो देखो जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी मिल सकती है। क्योंकि ईगो जो है, जो खाद उसको लगता है वो है प्रशंसा का खाद, उसको जो खाना लगता है वो प्रशंसा का खाना लगता है। अब वो यदि हम जीवन जीते ही नहीं है कि प्रशंसा मिली तो हम जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा जीवन ही हम जीते नहीं है, पूरा एकदम शांति से जीवन जीते, लोगों के हाथ में कंट्रोल न देते हुए मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल है, तो आपको डेफिनेटली जीवन में सुख समाधान शांति मिल सकती है। क्योंकि ईगो को या अहम को हरदम वो खाना लगता ही है, वो खाना ईगो को लगता ही, काहे का लगता है, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने वाह वाह करना चाहिए, जैसा मैं बड़े बंगले में जाऊं तो मुझे लोग वाह वाह बोलेंगे, यदि मैं 5 करोड़ का बंगला लूं तो मुझे लोग वाह वाह बोलेंगे, यदि मैं मर्सिडीज गाड़ी में घूमता हूं तो लोग मुझे वाह वाह करेंगे, यदि मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं तो लोग पूछेंगे वाह वाह क्या इतना अच्छे कपड़े है, मैं अच्छा दिखता हूं तो लोग बोलेंगे वाह अच्छे दिख रहे हैं। तो ये कहां तक है, क्योंकि लोग अच्छा बोलेंगे करके मैंने करना, लोगों ने प्रशंसा करना करके करना, ये तो मतलब बिना बॉटम का, बिना उसको बेस का गड्ढा है, कल्पना करो कि ये गड्ढा है, इसमें उसको कोई बॉटम ही नहीं है, नीचे कुछ कितना भी डाले तो भी कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ईगो है इसको आपने कितना भी खाना खिलाया प्रशंसा का, कितना भी खाना खिलाया कि भाई लोग क्या, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए और वो हम करते रहते, कितना भी खिलाया तभी वो कभी खुश होने वाला है नहीं, उसको टेम्पररी थोड़ा सा अच्छा लगता है, 5 करोड़ के मकान में रहने के लिए गए थोड़ी ना अच्छा लगेगा, बाद में फिर नई भूख तैयार हो जाएगी, और आदमी दौड़ रहा है 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 काहे के लिए कि एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, और ईगो है वो कभी खुश होता नहीं है। आपको यदि सेटिस्फैक्शन, समाधान, आनंद, खुशी चाहिए तो वो ईगो को कभी मिलने वाली है नहीं, आपके आय को, आपके मी को, आपके अहम को वो कभी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि जब तक हम बाहर
हमारा लक्ष्य रखते हैं कि बाहर से मुझे खुशी मिलेगी, बाहर से मुझे आनंद मिलेगा, बाहर से मुझे शांति मिलेगी, तो कभी मिलने वाली है नहीं। आपको शांति अंदर ही ढूंढनी है। जैसे आप हो वैसे अच्छे हो, जैसे आप हो वैसे शांतिपूर्ण आप जीवन जी रहे हो, जैसे आप हो वैसे आप खुश हो, समाधानी हो, आनंदी हो। ऐसा यदि आप जीवन जीते हैं तो जीवन जीने में मजा आएगा। नहीं तो आप दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे कि ये मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। चालू है दौड़ना, थोड़ी खुशी मिलती भी है, वो खुशी मिलने के बाद में फिर क्या होता है, फिर वही कि मुझे और चाहिए। तो ईगो की भूख कभी खत्म होने वाली है नहीं। ईगो आपको दौड़ाते रहेगा, दौड़ाते रहेगा, दौड़ाते रहेगा, आप थक जाओगे और जिंदगी के आखिरी पल तक आप खुश होने वाले है नहीं, क्योंकि आपकी खुशी बाहर की चीजों के ऊपर है। तो हमको ये देखना है अभी, आज से आप ये देखो कि भाई आप की खुशी जो है वो अंदर से मिल रही है, ताकि आप हरदम 24 घंटे खुश शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आजू बाजू में काफी सारे लोग हैं कि जो दौड़ दौड़ रहे, दौड़ के थक थक रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उनको भी समझ में आएगा कि बाहर कुछ नहीं, अंदर ही है, और वो भी खुशी उनको मिलेगी, उनके जीवन में उनको समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा, और वो यदि आप शेयर करते हैं लोगों को वीडियो, तो उनके भी जीवन में आप खुशी फैला सकते हो। मेरा मकसद ये है कि पूरे अपने दुनिया में, पूरे हमारे भारत देश में सभी लोग एक खुशी का जीवन जिएंगे, और उसके लिए आप डेफिनेटली वीडियो लोगों को शेयर करो, तो लोगों को ये मिल जाएंगी बात में जो बोल रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।